यह सही है, अब काम हो गया अपना, अच्छा है। फिर मैंने यहाँ पर अब सबमिट कर दिया अपील आपके सामने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अपील सबमिट कर दिया है। अपील सबमिट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, लिखकर आ गया और कर आ गया है, आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपके YouTube चैनल पर रिड्यूस्ड कंटेंट आ गया है और अपील करने का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप अपील भी कर सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो में आपकी आवाज नहीं है, आपका फेस नहीं है, आपने सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके YouTube चैनल बनाया है और YouTube पर काम किया है, आपने अपने चैनल पर व्यूज भी इकट्ठा कर लिया है, आपने मेहनत भी बहुत सारी की है, तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक चैनल मोनेटाइज कराया है जिस पर अपील वीडियो बनाकर अपलोड करके पूरा प्रोसेस बताया है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपको अपील वीडियो कैसे बनानी है, अपील वीडियो पर क्या बोलना है और अपलोड कैसे करना है यूट्यूब चैनल पर, और आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा। क्या होता है मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, अभी याद आ गया जस्ट वीडियो बनाते टाइम, कि अपील वीडियो में प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड ये होता है कि जब आप अपील की वीडियो बना रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपील की वीडियो में बोलना क्या है। सभी की वीडियो अलग अलग हो सकती है, जितनी भी वीडियो है सबकी अलग अलग हो सकती है। आपसे यही मैं कहना चाहूंगा, अपनी वीडियो आप हमेशा ध्यान से बोलकर समझकर बनाएं, और अपील वीडियो में क्या बोलना है ये ध्यान से सोचकर ही बनाना। मैं अभी बता दूंगा कैसे क्या बोलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इस स्क्रीनशॉट पर आपको रियूज कंटेंट अपील करने का ऑप्शन दिख रहा है। अपील करने का ऑप्शन 25 जून 2024 था जो कि लास्ट डेट थी। हमने इनके चैनल पर अपील किया है 24 जून को, इनके चैनल पर हमने अपील वीडियो अपलोड की है। अपलोड करने के बाद फिर हम वीडियो को अपलोड जब कर चुके तब इनके चैनल पर अगले दिन सुबह लिखकर आया कि हमने आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया है। सच पूछें दोस्तों तो मैं आपको बताऊं, मुझे भी विश्वास नहीं था कि इनका चैनल मोनेटाइज होगा, क्योंकि जब मैं इनसे बात कर रहा था, ये मेरे मेंबर थे, इनसे मैं जब बात कर रहा था तो मैंने इनको बोला कि मुझे भी विश्वास नहीं कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इन्होंने कहा क्यों भैया, मैंने कहा ऐसा है कि आपके चैनल पर टोटली सारी वीडियो रियूज्ड वाली है, सारी वीडियो कॉपी पेस्ट है। लेकिन इन्होंने कहा भैया आप अपील वीडियो बना दीजिए और अपील वीडियो आप मन लगाकर बनाना, आप अगर अपने दिमाग को लगाकर अपील वीडियो बनाओगे तो मोनेटाइज हो जाएगा, ये मुझे आप पर विश्वास है। मैंने कहा इट्स ओके, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं काम करता हूँ। मैंने अपील वीडियो बनाया। सच पूछिए दोस्तों तो अपील वीडियो जब मैं बना रहा था तो बहुत अच्छे से बनाया था, इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे विश्वास था कि मोनेटाइज तो होना नहीं है, लेकिन अपील वीडियो में 100% दे देता हूँ, तो 100% मैंने अपील की वीडियो में दिया और अपील वीडियो बनाया। अपील वीडियो में क्या बोला कैसे बोला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपील की वीडियो बनाने के पहले मैंने इनके चैनल को देखा, इनके चैनल पर टोटली वीडियो जितनी भी वीडियो थी वो सारी वीडियो इनके चैनल पर स्टेटस वाली वीडियो थी, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जो इनके वीडियो में आवाज हो या फिर इनका फेस हो। आवाज मैं आपको बताऊं तो इनके वीडियो में आवाज थी, लेकिन जो आवाज इन्होंने डाली थी वो आवाज किसी काम की नहीं थी, वो गानों के बीच में आवाज डाल दी थी और उस आवाज का क्या फायदा जो आवाज सुनाई ना दे, ठीक है। तो इन्होंने आवाज डाल रखा था, चलिए जी वो काम हो गया इनका। अब उसके आगे का काम मैं आपको बताऊं तो इनके चैनल पर आगे ये हुआ कि कॉपी पेस्ट करके इन्होंने इतनी वीडियो डाल दी थी कि मैंने इनसे वीडियो डिलीट कराया, वीडियो डिलीट कराया तो इनका आवाज टाइम कम हो गया। अब इन्होंने कहा भैया मेरा व्यूज कम हो गया, आवाज टाइम कम हो गया, मेरा तो अपील कैसे एक्सेप्ट होगा। मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई तुम टेंशन मत लो, व्यूज और वॉच टाइम सिर्फ अप्लाई करने के लिए काम आता है, अपील करने के लिए नहीं। अपील करने के लिए आपको ना व्यूज चाहिए ना वॉच टाइम चाहिए, अपील करने के लिए सिर्फ आपको अपील की वीडियो चाहिए और अपील वीडियो करने के बाद कोई वीडियो अपलोड ना करनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखना। इन्होंने कहा ओके भैया तब तो मेरा काम हो जाएगा, प्लीज आप कर दीजिए, मुझे आप पर विश्वास है। फिर मैंने इनकी अपील की वीडियो बनाई। अपील की वीडियो जो बनाई उसमें क्या बोला स्टार्टिंग का कुछ क्लिप आपको मैं सुनाता हूं। हाय ऑडियो टीम यूट्यूब, मेरे चैनल का नाम शिव विश्वकर्मा शॉर्ट्स है और मेरे चैनल का यूआरएल आपको सामने दिख रहा है, देखिए ये भी लेटेस्ट वीडियो, जितनी भी वीडियो अपलोड की अभी तक सारी वीडियो मेरी लेटेस्ट और पॉपुलर और ओल्डेस्ट सब मिला के मेरी वीडियो में, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी वीडियो में एक यूनिकनेस होता है, एक लोगों को थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, हंसते हैं, हंसाने के लिए वीडियो बनाता हूं। आपने सुना जैसा कि मैंने ये जो बोला है ये सारी बातें एकदम रिकॉर्डेड है और इनके चैनल पर अपलोड थी, राइट। अब इनके चैनल पर फिर हमने अपील सबमिट कर दी। अब अपील कैसे सबमिट की वो मैं आपको दिखाता हूं, तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहां देख लीजिए, ये वही चैनल है जिस चैनल पर हम अपील की वीडियो बनाने के लिए रेडी कर रहे थे। अपील वीडियो अपलोड कर दी और डिस्क्रिप्शन से जो कुछ भी लिखा था उसे हटा दिया और यहां पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि ये वीडियो बच्चों से रिलेटेड नहीं है और हमने कुछ भी नहीं डाला है इस वीडियो के अंदर, ना टैग ना टाइटल डाला है, टैग डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं लिखा हमने। उसके बाद आप यहां पर देखिए दोस्तों, इनकी वीडियो को हमने अनलिस्टेड कर दिया, हिंदी में है ये वीडियो तो आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन ये अनलिस्टेड कर दिया मैंने। अनलिस्टेड करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर यहां पर वेट करता रहा, देखता रहा कि क्या करना है कैसे करना है, फिर उसके बाद सेव कर दी। सेव करने के बाद
जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर लिख कर आया प्रोसेस किया जा रहा है, तो टाइम लगता है प्रोसेस करने में, आपको भी पता है जब वीडियो अपलोड होती है तो उसमें 2-4-10 मिनट ले लेता है, तो 2-4-10 मिनट ले लिया और उसके बाद फिर से हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन की और हमारी वीडियो में 2 मिनट बचे हुए थे जो कि जाँच करने में, अभी यूट्यूब जाँच ही कर रहा था, तब तक हमने इस वीडियो को शेयर कर वाले बटन पर क्लिक करके हमने ये वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया और उसके बाद कमाई करे पर क्लिक कर दिया अर्न वाले पर। और अब आप यहाँ देख सकते हैं 25 जून को हम यहाँ अपील सबमिट करने वाले हैं, अपील पर क्लिक किया, अपील पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने URL पेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे डर लगा कि ये URL सही है या नहीं है, उस URL को कॉपी किया और दोबारा गूगल पर उस URL को पेस्ट किया, उस URL को पेस्ट किया तो वीडियो मुझे दिख गई। अब जब वीडियो मुझे दिख गई तो मैंने कहा भैया वीडियो दिख गई तब तो अच्छी बात है, चलिए वीडियो देख लेते हैं, तो यहां पर वो वीडियो चली और जैसे वीडियो चल गई मुझे लग गया सही है, अब काम हो गया अपना अच्छा है, फिर मैंने यहां पर अब सबमिट कर दिया अपील आपके सामने, अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए अपील सबमिट कर दिया है, अपील सबमिट करने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है लिखकर आ गया और ये लिखकर आ गया 14 दिन के अंदर हम आपके चैनल पर बता देंगे मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ आपका चैनल, तो ये तो अपील हमने कर दिया। अब मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूं जो हमने रिकॉर्ड किया था, ये वीडियो है जब हम इनके चैनल को अगले दिन ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए ही तो वीडियो बनाता हूं, आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। देखिए यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन करी और जैसे ही मैंने इनके चैनल को ओपन किया अगले दिन, तो आप यहां देखेंगे ये मैंने यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन किया और आपके सामने यहाँ YouTube स्टूडियो ओपन करते ही लिखकर आ गया है आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब आप YouTube पर काम करिए। आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनके चैनल पर अपील किया और उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो गया, दिल से खुशी मिलती है मेरे दोस्तों, दिल से अच्छा लगता है जब भी किसी का चैनल मोनेटाइज होता है, और मैं आपको बताऊँ ये 25 जून को ही मोनेटाइज भी हो गया यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, बताने का मकसद यह था कि वीडियो प्राइवेट करके आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, पब्लिक करके भी मोनेटाइज कर सकते हैं, और इनके चैनल पर अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ना तो आप वीडियो जब देखेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे, ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ये वीडियो देख लीजिए, ये जो वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो आप जब सुनेंगे ना इस वीडियो की आवाज़ तो आपको लगेगा कि इस वीडियो में क्या है, ये वीडियो मतलब भाई ऐसे कैसे मोनेटाइज हो सकता है, यूट्यूब तो कहता है वैल्यू डालो, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी जब इनके चैनल को हमने मोनेटाइज करा दिया तो उसमें सबसे मेन इंटरेस्टिंग बात ये थी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनके चैनल पर वीडियो अपील की जब बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल दी थी जो यूट्यूब को चुभ गई होगी। क्या बोला था मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बोला डियर टीम यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इसमें सॉन्ग होता है, जाहिर सी बात है आप सॉन्ग देखेंगे तो आप मेरे चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन कि मैं जो सॉन्ग अपलोड करता हूँ वो यूट्यूब पर नहीं होता है और जो यूट्यूब पर होता है वो मेरे चैनल पर नहीं होता है। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने कहा ये जो सॉन्ग लेते हैं हम क्लिप कट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, अच्छे तरीके से एडिट करते हैं और वो क्लिप डालते हैं जो यूट्यूब पर ऑलरेडी नहीं होती है। यूट्यूब पर पूरा सॉन्ग जरूर मिल जाएगा लेकिन ये वाली क्लिप मेरे ही चैनल पर मिलेगी और इस वीडियो में वो मैंने डिटेल डाली हुई है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डियर टीम यूट्यूब, प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, मेरी एडिटिंग करने की स्किल को देखिए और फिर आप मेरे चैनल को मोनेटाइज करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को मोनेटाइज करेंगे, आप अच्छे से मेरे चैनल को चेक करेंगे और आप मेरे चैनल को दोबारा से मोनेटाइज करके मुझे खुशी देंगे। मैंने ये सारी बातें भूली थी और उसमें ये भी बताया था कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को मोनेटाइज करेंगे। लास्ट में एक बात मैं इंग्लिश में हमेशा बोलता हूं अपने हर एक अपील वीडियो में, वो बात ये होती है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज मोनेटाइज माई चैनल डियर टीम यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। मैं ये बात जरूर बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बात बोलने से YouTube को अपनापन लगता होगा और YouTube को लगता होगा कि लड़के ने कुछ बोला है, कुछ इंग्लिश भी आती है, कुछ हिंदी भी आती है तो चैनल मोनेटाइज कर देते हैं, मेहनत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी अगर अपने चैनल पर इस तरीके से काम करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो दोस्त मेरे पास आए ये कैसे आए, कैसे जुड़े और कैसे इनसे बातें हुई, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरी पेड मेंबरशिप अवेलेबल होती है आप लोगों के लिए। पेड मेंबरशिप उन्हीं को देते हैं जिनके चैनल को हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं और मोनेटाइज कराने के लिए बोलते हैं। हम वीडियो कॉल करने के बाद पेड मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। वीडियो कॉल आपको इंस्टाग्राम पर करना होता है, इंस्टाग्राम की 2 ID आपको सामने दिख रही है, आपको इंस्टाग्राम पर लिखना होगा आई वॉन्ट टू पेड मेंबरशिप, आई वॉन्ट टू वीडियो कॉल। जब आप ये लिखते हैं तब मैं आपको मैसेज करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ और आपसे बातें करता हूँ। मैं किसी के भी वीडियो के नीचे कमेंट करके ये नहीं कहता 2 मिनट में 3 मिनट में 2 दिन के 1 दिन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ, ना ही मैं किसी से आईडी पासवर्ड लेता हूँ। आईडी पासवर्ड अगर लेता भी हूँ तो पहले वीडियो कॉल करता हूँ उसके बाद आईडी पासवर्ड। मेरे नाम पर अगर कोई फेक और फर्जी करे और आपसे बोले मैं 2 मिनट में आपके चैनल को मोनेटाइज कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो आप उससे बच के रहें और आप सही आईडी पर ही मैसेज करें।
राइट, ये आप दोनों आईडी ध्यान से देख लीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको आज के बाद रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी और अब अपने चैनल पर आप अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।